पेंटल्स पर ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल, टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, रचना वैद, कविता जैन और स्नेहा सेठ देंगी साथ। इमामी के नतीजे कल दोपहर में आ चुके थे। CFO NH भंसाली से होगी बातचीत। 2:30 बजे कल आने वाले नंबर्स की बात होगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और डीवीज लैब आशीष हमारे साथ जुड़ेंगे। 2:45 पर सुमित को बुलाएंगे, मैरिको और साथ ही दिग्गज ONGC भी अपने क्वार्टरली नंबर्स पेश करने वाले हैं सोमवार को। इसके साथ ही 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में दीपन मेहता हमारे साथ जुड़ेंगे, फिर डीलिंग रूम का जायजा लेंगे। BTST, STBT ट्रेड्स, ये सब होगा चर्चा में आगे। ओके, तो आज एक बार फिर से एक मैनेजमेंट लाइव होगी हमारे साथ कुछ देर में इमामी की, एक और FMCG से बात कंपनी का मौका मिलेगा हमें। चलिए ट्रेड्स पिक करते हैं। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून। आज बैंकों में कन्विक्शन है सर, आपका व्यू उस पर क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून टू यू। मैं पिकअप करूंगा आई थिंक फार्मा क्षेत्र, वहां पर थोड़े रेजिलियंस है। स्टॉक का नाम है ऑरोबिंदो फार्मा, ट्रेड कर रहा है 1440 पर, स्टॉप होगा करीब 1434 पर, 6 रुपए का टारगेट, 1450 नियर टर्म टारगेट है ऑरो फार्मा। ओके, 1441 पे आपका ऑरो फार्मा है। एक बार डायरेक्टर साहब जरा निफ्टी फार्मा स्क्रीन पे रखेंगे, हल्का सा निफ्टी फार्मा को देखते हैं। एक ऐसे टाइम ड्यूरेशन में जब आपका निफ्टी IT सिंक हो रहा है बिलो 10, निफ्टी फार्मा कर क्या रहा है? क्या ये एक सेक्टर ऐसा है जिस पे हम अगले एक दो दिन में, यस, ये ऑल टाइम हाई है निफ्टी फार्मा का। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या है? जी तो देखिए, श्रीराम फाइनेंस पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 3-4 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि स्टॉक बिल्कुल तैयार है फ्रेश ब्रेकआउट के लिए, और आई थिंक ये पैक पैटर्न का ब्रेकआउट होगा। तो श्रीराम फाइनेंस में खरीदारी करने की राय रहेगी। जो आपके स्टॉप लॉसेज है वो रहेंगे 2949 के, लेकिन आपके टारगेट आप सेट कर सकते हैं 3125 के श्रीराम फाइनेंस में, दोनों कैश शेयर्स मैंने बताए हैं। अगर चाहें तो 3000 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 105 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। 74 का स्टॉप लॉस लगाइए 3000 के कॉल ऑप्शन में, और टारगेट सेट करिए 160 रुपए के। ओके, तो 3125 के लिए सीधा ट्रेड कीजिए आप, या फिर 3000 की कॉल लेकर जा सकते हैं। इस समय 106 पर है, 60 रुपए के गेंस के लिए यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी तेजी की बन रही है। रचना, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? जी गुड आफ्टरनून, और मेरा ट्रेड जो रहेगा दैट विल बी इन हेवल्स। हेवल्स के फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे, और हेवल्स में यहाँ पे रेजिस्टेंस को टेकआउट होने की प्रोसेस ऑन है, तो एक नया स्विंग बनना चाहिए। 1832 पे अगर ऐसे लगा के फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे तो अपसाइड पे 1860 का टारगेट लगा सकते हैं। ओके, तो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर 1850 की तरफ बढ़ता हुआ ये काउंटर तेजी की बन जरूर रही है। स्नेहा जी, आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून हर्षदा। अगर आप IT पैक देखें तो आज थोड़ा प्रेशर में है, और उसमें से इन्फोसिस एक काउंटर अगर आप देखें तो वहां पे काफी इंटरेस्टिंग है। लास्ट 3 दिनों से थोड़ी थोड़ी सेलिंग देखने को मिल रही है। आज के दिन अगर आप देखें तो अपसाइड में 1840 का जो कॉल है उसमें काफी अच्छी राइटिंग दिखी है। पुट्स में 1820-1800 ऐसा पुट्स में अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से थोड़ा सा और सेलिंग प्रेशर रह सकता है। तो आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पे सेल किया जाए विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 1867, और जो डाउनसाइड पोटेंशियल टारगेट विल बी अराउंड 1776। ओके, आपका ट्रेड हो गया यहाँ पर सेल इन्फोसिस, और आपका ट्रेड ग्रिप में है आपके। राजेश सतपुते जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? वेरी गुड आफ्टरनून वीरे, एंड गुड आफ्टरनून हर्षदा, एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरे देखिए, मेरा सेल साइड का ट्रेड होगा, थोड़ा बाजार ट्रिकी है लेवल के हिसाब से अगर आप सोचे तो लाइट होके काम करे। सो मेरा सेल रहेगा विप्रो। विप्रो इज अ सेल बिलो 510, स्टॉप लॉस विल बी एट 520 एंड टारगेट विल बी एट 488। विप्रो इज सेल। आपका IT पे 506 पे विप्रो सेल है। ओके, चलिए अब लेके आइए राजेश अग्रवाल जी को। इस कार्यक्रम में भी दो राजेश जी हैं, लेकिन अब चलते हैं कोलकाता। राजेश अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। राजेश, गुड आफ्टरनून। आप आते, हमने 25,000 का जो मंच है वो सजा के रखा था, लेकिन क्या करेंगे, शुक्रवार थोड़ा सा भारी हो गया। बट स्टिल आई थिंक आपके लिए शायद ये लेवल्स किसी भी स्टॉक में एंटर करने के लिए नो डाउट और अच्छे हैं वर्सेस यस्टरडे। क्या पिक करें राजेश जी आप इस वक्त? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, हर्षिता जी, बाकी भी जो पैनल में मित्रगण, सबको नमस्कार। आपने सही कहा, आज बाजार थोड़ा दबाव में है ग्लोबल क्यूज के कारण कह लीजिए, या थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली के कारण कह लीजिए, या फ्राइडे फैक्टर जो कि आप कह रहे थे उस कारण से।
अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि ऐसे बाजार में कोई चिंता की बात है। हाँ सही बात है कि 25,000 के लेवल्स के आसपास थोड़ा भारी हो गया है, लोग थोड़ा मुनाफा सुखी कर। स्टॉक पिकिंग की बात हो तो इस वक्त हमें ये लगता है कि केमिकल सेक्टर जो कि पिछले कई क्वार्टर्स से दबाव में रहा, अब बॉटम आउट होता हुआ नजर आ रहा है और हमें लगता है कि यहाँ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो उसमें से एक स्टॉक अभी देना चाहूंगा जिसका नाम है दीपक नाइट्राइट। अगर आप देखो तो करीब करीब 100 प्रोडक्ट्स हैं इनके और करीब 1,000 से ऊपर क्लाइंट्स हैं, 6 प्लांट हैं, न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी सप्लाई करते हैं। आने वाले दिनों में एक बड़े केपेक्स की इन्होंने अनाउंसमेंट कर रखी है। फेनोलिक्स में एक बड़े प्लेयर है जो कि इंटीग्रेटेड बनने की कोशिश कर रहे हैं। 200 करोड़ के आसपास का दहेज का जो एक्सपेंशन था वो लगभग पूरा हो गया है, लगभग क्या पूरा ही हो गया है, और अब वहां से भी नंबर आना चालू हो जाएंगे। बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है और जैसा मैंने कहा कि जो दिक्कतें थी पहले, शायद चाहे वो चाइना डंपिंग को लेके हो या रेड सी क्राइसिस को लेके हो या केमिकल सेक्टर एज ए होल को लेकर के हो, वो अब पीछे छूटती हुई नजर आ रही है और यहाँ से बड़ी अपसाइड हो सकती है। छोटी अवधि में 3250 के टारगेट रखने चाहिए, बट मैं कहूंगा कि थोड़ा लंबी अवधि रखे 9 से 12 महीने का, तो यहाँ से 15% की अपसाइड हो सकती है। ओके दीपक नाइट्राइट, दीपक नाइट्राइट याद रखिएगा, ये अपनी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है और बड़ा स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट किया था इस स्टॉक ने, अब करीब 31-12 पे ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी है। स्नेहा, आई होप आप लोगों ने जो आपकी रोलओवर्स रिपोर्ट होती हैं, जो रोलओवर्स टुवर्ड्स अगस्त थे, उसमें आपको क्या, आपकी रीडिंग क्या है केमिकल्स में? अब हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स लाइक दीपक नाइट्राइट, देन वी हैव SRF और नवीन फ्लोरिन जो ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी में है और प्राइस वाइज एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिफरेंशियल परसिस्ट करता है बिटवीन आई थिंक दीज 3 स्क्रिप्स एंड UPL। आप क्या प्रिफर करेंगे लॉन्ग करने के लिए इस वक्त? आई वुड गो विद दीपक नाइट्राइट ओनली। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है उसका और मुझे लग रहा है करके जिस तरह से ओवरऑल बाकी काउंटर में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग दिखने को भी मिली थी, बट यहाँ पे अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली 20 रेमा के ऊपर डेली चार्ट में चल रहा है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर भी काफी अच्छे हैं, तो आई थिंक यहाँ पे अगर किसी को फ्रेश बेट्स लेना है तो ये आप प्रेफर कर सकते हैं ओवर अदर टू। ओके आपका भी कन्विक्शन दीपक नाइट्राइट पे, लेकिन आज आप आते हैं स्टॉक ऑफ द डे, लेट्स